हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप कटिंग करना सीखते हैं। टॉप और शॉर्ट पटियाला सलवार। दोस्तों ये मेरे पास पुराना कमीज़ था, उसमें से मैंने चाकू कटिंग कर लिया है। यहाँ पे 5 इंच ले लिया है, 5 इंच की एक बॉक्स बना लिया है, 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया है मुड्ढा के लिए, 7 इंच। बस इसको सीधा सीधा कटिंग करना है, थोड़ा सा इसको मुड्ढा में कटिंग करना है। अब इसकी गला की कटिंग होगी, गला की कटिंग 2.5x3। ये पीछे की कटिंग है, बैक साइड की कटिंग है, फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी 2.5x4। इस तरह से सपोर्ट बॉक्स बना लूँगी, इसके बाद इससे गुलाई शेप दे दूँगी और कटिंग कर लूँगी। ये आस्तीन की कटिंग है दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है। हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक आस्तीन लगा लूँगी, क्योंकि ये छोटा बच्चे के लिए है, 8 से 9 साल के बच्चे के लिए है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक इसको सिलाई लगाऊंगी। हमारा जो सलवार है, सलवार को कटिंग कर लूँगी। इसकी लेंथ हम यहाँ से 14 इंच ले लूँगी और इधर से भी 14 इंच ले लूँगी। 14 इंच ले लूँगी, इसकी टोटल लेंथ है 33 इंच। इसको कटिंग कर लूँगी इस तरह से, और यहाँ पे एक छोटा सा रुमाली लगा लूँगी। कुछ इस तरह से कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा सा एक रुमाली लगा लूँगी। ये बहुत इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। हमें जो लेंथ चाहिए उसको रख के मैं इस तरह से कटिंग कर लिया है। यहाँ पे छोटा सा रुमाली लगा लूँगी और इसको कंप्लीट कर लूँगी। जो हमारी रुमाली है, रुमाली को काट के रुमाली अटैच कर दूँगी। इस तरह से इसको कटिंग कर लूँगी। इस तरह से इसको कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसको इसमें लगा दूँगी, कुछ इस तरह से लगा दूँगी इसको। हमारी टॉप थोड़ा सा लेंथ इसकी कम हो रही थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैंने लेस लगा के इसकी लेंथ बड़ा कर लिया है टॉप की, और इसमें पटियाला सलवार बना दिया है बिना बेल्ट की। प्लास्टिक लगा दिया है, चुन आ गया है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये छोटा सा कमीज और टॉप बन के तैयार, टॉप और सलवार बन के तैयार। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।